हेलो गाइस, वेलकम टू थकदिल्स 360। आज बात करते हैं हॉटस्टार की नई रिलीज आर्या पार वेब सीरीज के बारे में। ये सीरीज आज ही रिलीज हुई है एंड इसके टोटल 8 एपिसोड है। हर एपिसोड लगभग 30 से 45 मिनट के बीच है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जगदलगंज नाम शहर में एक जंगल एरिया है जिसका नाम है देगोहात एंड उसी जंगल में एक ट्राइब रहती है, देगोहाती ट्राइब, जो मेन सिटी से दूर अपने खुद के दुनिया में खुशी खुशी जीवन व्यतीत करती है। इनको बाहर के लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हम कहां दूसरों के खुशी में खुश होते हैं। सो निकल पड़े देगोहाती ट्राइब का जीना हराम करने। उसी ट्राइब में रहता है सरजू, जो एक योद्धा है एंड अपने गाँव वालों की रक्षा करने के लिए वो जी जान लगा देता है। फिर जंगल में एक बहुत कीमती धातु यूरेनियम के होने का पता चलता है, जिसकी कीमत इतनी है कि एक नहीं कई देशों को खरीदा जा सकता है। इस यूरेनियम पे नजर होती है भट्टा इंडस्ट्री की। भट्टा इंडस्ट्री के मालिक रूबेन अपने पैसे और पावर से हर वो कोशिश करता है ताकि देगोहाटी ट्राइब अपना घर छोड़ के कहीं दूसरे जगह पर शिफ्ट हो जाए और वो यूरेनियम हासिल कर सके। भट्टा खुद कैंसर का पेशेंट था, लेकिन पैसों की भूख कहां मिटती है इतनी आसानी से। तो क्या भट्टा देगोहाटी ट्राइब को खत्म कर देगा? ऐसा क्या हुआ कि सरजू अपने घर छोड़ के शहर चला जाता है, यहां तक कि फॉरेन भी पहुंच जाता है और एक सीरियल किलर बन जाता है? उसके लिए आपको देखना होगा हॉटस्टार पे आर या पार। कहानी बेसिकली फॉरेस्ट एंड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को दिखाने की कोशिश करता है। कहानी कोई एकदम यूनिक नहीं है, ऐसे टॉपिक हमने पहले भी देखा है। कंतारा अवतार जैसी मूवीज की थोड़ी बहुत याद तो जरूर आएगी, लेकिन उसी वजह से सीरीज को क्रिटिसाइज करना गलत होगा। कहानी यूनिक ना होते हुए भी एक अलग अंदाज में प्रेजेंट किया जाता है, जहां कहानी जंगल से लेके फॉरेन तक सफर करती है। कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि कुछ भी फोर्सफुली हो रहा है। हाँ, कहानी थोड़ी लंबी जैसी फील होती है कभी कभी, लेकिन फिर भी आपको 8 एपिसोड तक बांध के रखती है। कहानी के कई सारे पहलू है जो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होती है वो देखने में इंटरेस्टिंग होता है। कहानी जितनी सिंपल लगती है उतनी है नहीं, क्योंकि हर किसी का खुद का एक बैक स्टोरी होता है। आउट ऑफ द थ्रिलर तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़े बहुत ट्विस्ट एंड टर्न तो जरूर है। मुझे सीरीज का क्लाइमेक्स काफी पसंद आया, जहां जंगल का वैल्यू देखने को मिलता है। लेकिन एक ड्रॉबैक भी है, कहानी पूरी कंप्लीट नहीं होती है इस सीरीज में, जिसकी वजह से एक अधूरा जैसा फील होता है। तो यस, इसका मतलब है कि इसका दूसरा पार्ट जरूर आएगा और दूसरे पार्ट में काफी सवालों के जवाब हमको देखने को मिलेगा। कहानी की सबसे बेस्ट बात मुझे यही लगी कि सरजू का जो कैरेक्टर है, अब उसको लेकर डीसी के एरो या फिर मार्वल के हॉकआई जैसी सुपर हीरो जॉनर में एक्सपांड कर सकते हो, क्योंकि बैक स्टोरी बहुत तगड़ी है सरजू की। ऐसा नहीं है कि उसका मन किया और वो बो एंड एरो लेकर निकल पड़ा लोगों को मारने। आई होप इस सीरीज को एक अच्छा रिस्पॉन्स मिले एंड मेकर्स इस एंगल में इसको जरूर फोकस करे। बाकी एक्ट्रेस ने काफी अच्छा किया है। सरजू के कैरेक्टर में दिखे परेश रावल के बेटे आदित्य रावल, इससे पहले मैंने उनका काम नहीं देखा था, उन्होंने सरजू के कैरेक्टर को जस्टिफाई किया। बाकी सुमित व्यास तो मेरे फेवरेट है और उनको कॉमेडी से हटके एक अलग रोल में देखना इंटरेस्टिंग था। बाकी पत्रलेखा आशीष विद्यार्थी दिव्येंदु भट्टाचार्य ने भी बेहतरीन काम किया है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।